जय हिंद। आज हम मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन और मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाने वाला एकमात्र स्थल पचमढ़ी के बारे में जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच समुद्र तल से लगभग 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल पचमढ़ी स्थित है। यहाँ पर दूर दूर तक फैली पर्वतीय घाटियाँ और कलकर करती बहती नदियाँ और झरने और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल पचमढ़ी की खास पहचान है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले पचमढ़ी में गोंड राजा बहु सिंह का राज हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के पश्चात अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी और मध्य भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब हम पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। पचमढ़ी में कई पर्यटन स्थल हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है आध्यात्मिक पर्यटन स्थल और दूसरा है प्राकृतिक पर्यटन स्थल। आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में आते हैं महादेव मंदिर, गुप्त महादेव मंदिर, चौरागढ़ मंदिर, जटाशंकर और ऐसे कई मंदिर हैं जो आध्यात्मिक पर्यटन स्थल में आते हैं। वहीं अब हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करते हैं, जिसमें धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। यहाँ वी फॉल, अप्सरा फॉल, रजत फॉल जैसे कई वाटरफॉल है, साथ में हांडी खो और प्रदर्शनी पॉइंट जैसे कई अलग अलग व्यू पॉइंट भी है। अब इसके बाद हम पांडव गुफा की बात करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में अपने वनवास के समय पांडवों ने कुछ समय इन गुफाओं में बिताया था, इसी कारण इन गुफाओं को पांडव गुफा कहा जाता है। इसके बाद हम अप्सरा फॉल और रजत फॉल के बारे में जानते हैं। अप्सरा जलप्रपात सैलानियों के बीच अत्यंत मशहूर है, इसे देखने के लिए सैलानी दूर दूर से जहाँ आते हैं। उसके बाद हम रजत जलप्रपात की बात करते हैं। रजत जलप्रपात की ऊंची जलधारा का दृश्य अत्यंत मनमोहक नजर आता है। इसके बाद हम जटाशंकर धाम की बात करते हैं। पचमढ़ी शहर के नज़दीक ही जटाशंकर धाम है। मान्यता है कि भस्मासुर नामक राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव ने इन गुफाओं में शरण ली थी और यहाँ पर 100 सर्पों के सिर वाली एक प्राकृतिक पथरीली संरचना है जो देखने में अत्यंत मनमोहक है। इसके बाद हम वी वाटरफॉल की बात करते हैं। शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरी भरी घाटियों में ऊंचाई से गिरती जलधारा देखने में अत्यंत मनमोहक लगती है। उसके बाद हम हांडी खो की बात करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और राक्षस के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। कालांतर में इस जगह का पानी सूख गया और यह देखने में हांडी की तरह लगती है, इसीलिए इस जगह का नाम हांडी को रखा गया है। इसके बाद हम बड़ा महादेव मंदिर की बात करते हैं। ऊंचे नीचे पेड़ों के बीच प्राकृतिक गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। इसके बाद बड़ा महादेव से आगे चलने पर रास्ते में गुप्त महादेव का मंदिर आता है। यहाँ पर अत्यंत संकरी रास्ता के द्वारा अंदर पहुँचने पर भगवान गुप्त महादेव जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद चौरागढ़ मंदिर की बात करते हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई को चढ़ते हुए भगवान महादेव का चौरागढ़ धाम आता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच ऊंचाई पर चौरागढ़ मंदिर स्थित है। यहाँ पर त्रिशूलों का बड़ी संख्या में संग्रह देखने को मिलता है। उसके बाद हम धूपगढ़ की बात करते हैं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।